या अगली क्वेरी? आई हैड वोडाफोन बट सोल्ड दैट एट लॉस। आपने वोडाफोन खरीद रखा है? यस सर, पर लॉस पर बेच दिया। बेच दिया तो अभी अभी क्वेरी क्या है, फिर से खरीदना चाहते हो क्या? हाँ, इसका फ्यूचर के लिए अच्छा ही रहेगा तो अभी फिर से बाय करें क्या? ये आप जो स्टॉक्स ढूंढ के ला रहे हो ऐसे क्यों? शुरू करा था अभी अभी ग्रेजुएशन के बाद पढ़ लिख के, तो निफ्टी फिफ्टी वाले स्टॉक से क्यों नहीं शुरू करा? ये मन करता है क्या, वो रिस्क है तो इश्क है टाइप्स? नहीं सर, अमाउंट स्मॉल है तो लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहता हूँ। भविष्य को लेकर तो ये तो क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म तक गोइंग कंसर्न के तौर पे रहेगा नहीं रहेगा, क्या चल रहा है? पर हाँ, ये वैसे राजेश सर हम सब जानना चाहते हैं, 6 रुपए पे मिल रहा है वो क्या कहते हैं ना, आर्या पार, जो होगा देखा जाएगा, ले लूं क्या? सर ऐसा है हाँ। कि इसको मैं थोड़ी दूसरी तरीके से कहूं हाँ। कि ये एक ऐसा बेबी है जिसकी माता पिता दोनों ने इसे घर से निकाल दिया है। वोडाफोन ने राइट ऑफ कर दिया अपनी बैलेंस शीट पे, बिरला जी इसे छोड़ दिए हैं, तो ये अभी इस तरीके से इनके कोई है नहीं। अभी सरकार के हवाले है कि वो कैसे पालेंगे इसको, और कहना मुश्किल है कि इसका क्या होगा। बहुत से लोग इसमें दांव खेल रहे हैं कि ये 4 गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा अगर कोई अच्छा इसे बचा लेता है तो। तो मैं यही कहूंगा कि आप अगर पहले तो इससे दूर रहें, नहीं भी रहना चाहती, अगर थोड़ा बहुत रिस्क भी लेना चाहती हैं या दूसरे दर्शक जो भी देख रहे हैं उनसे यही राय रहेगी कि अपने पोर्टफोलियो का एक बहुत छोटा हिस्सा आप इसमें लगाएं, मैक्सिमम 5-10%, और उतना ही पैसा लगाएं जिसको अगर आपको खो भी जाए तो आपको गम ना हो। अदरवाइज फंडामेंटली इस वक्त इसमें कोई भी राय नहीं बनती है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, नहीं तो कुछ थोड़ी सी रिसर्च आप तो पढ़ लिए ग्रेजुएशन।